बाबर मोहम्मद हारिस स्क्वाड में आए हैं, नए लड़के हैं, रणवीर राजा उन्हें काफी पसंद करते हैं, तो आप समझते हैं कि रिजवान की टेस्ट और वनडे में जिस तरह अभी खासकर का कारकर्दगी नहीं है, नो डाउट बड़ा प्लेयर है वो टी ट्वेंटी का, अभी उस तरह की उनकी कारकर्दगी नजर आ रही, हारिस को चांस देकर दिखाई दे रहे हैं, आप किधर देख रहे हैं हारिस का फ्यूचर? और दूसरा शाह कसूर बड़ी अच्छी फॉर्म में है, क्या आप समझते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में भी एडजस्ट हो सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? देखें अभी टू अर्ली है कि आप चांस दें, रिजवान परफॉर्म बिल्कुल वैसा नहीं हो पा रहा, लेकिन जो वो परफॉर्म कर रहा है वो काफ़ी अच्छा, और उस जो पोजीशन है उस पर वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है हमें एज अ टीम और एज अ प्लेयर। अभी मेरे ख्याल से हमारी जो कम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, और पूरा बिलीव है मुझे रिजवान पे, और जितना हमेशा मुझे उस पर रहता है कि वो मेरे लिए बैक पे खड़ा रहता है और टीम के लिए भी बैक में खड़ा रहता है, तो बिल्कुल फॉर्म तो अप एंड डाउन होती रहती है, एज अ टीम आपका कम्बिनेशन मैटर करता है कि किस कम्बिनेशन से जा रहे हैं। बिल्कुल ये कैंप में हम देखेंगे, दूसरे प्लेयर्स को भी देखेंगे, अपना कम्बिनेशन भी देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। और दूसरी रही बात शान मसूद की, देखिए शान मसूद ऊपर वाले प्ले ऊपर वाले नंबर पे खेलता है और नीचे वाले पे वो अनयूज होगा, मेरे ख्याल से वो उसके लिए अनफेयर होगा कि अगर हम उसको डालें और उसको बोलें कि आप पाँचवें या छःवें नंबर पे खेलें, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए अनफेयर होगा। बिल्कुल उनको हमने नज़रों में रखा हुआ, तो इंशाल्लाह हमें लगेगा तो हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। देखें अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हमें ऑफ मिला, तो उसके बाद दोबारा हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, ये नहीं इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमें पता है कि हमारी क्या बेंच स्ट्रेंथ है और हम उनको कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ पे हमें उनको चांस देना, डिपेंड करता है कि आप किस कम्बिनेशन से जाते हैं, और हमारे जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी देर बाद 2-3 हाँ काउंटी क्रिकेट खेलें, लेकिन इंटरनेशनल में डिफरेंट क्रिकेट और डिफरेंट प्रेशर है, तो वो आपको, दूसरा ये कि वर्ल्ड चैम्पियन वनडेशिप के मैचेस हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी क्रूशल हैं, और कोशिश करेंगे जो हमारी बेस्ट 11 होगी उसके साथ जाएँ। सर डेफिनेटली एज अ प्लेयर आपका जो एक ड्रीम होता है कि आप नंबर वन रहें तीनों फॉर्मेट में, और उसके लिए आपको पूरा फोकस और हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वो ये नहीं कि आप अगर एक या दो में आ गए हैं तो आप अपने आप को रीजी कर लें, अगर तीनों में आने हैं तो आपको एक्स्ट्रा अपने आप को फिट करना पड़ता है, अगर आपने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं तो उसके लिए आपको फिटनेस पर बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बैक टू बैक क्रिकेट है और गैप कम मिलता है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है तो गैप कम मिलता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फिट होने की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह वाइट बॉल में अच्छा जा रहा है, टेस्ट मैच में इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करूँगा, को रैंकिंग ऊपर है।